नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। हरदोई में समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर बवाल हो गया, जिसके बाद काफी देर तक यहां पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष और दूसरे पक्ष के बीच गाली गलौज हंगामा हुआ। निवर्तमान जिला अध्यक्ष ने दूसरे पक्ष पर गाली गलौज कर भगा देने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरे पक्ष ने जिला अध्यक्ष पर तमाम प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही हरदोई में सपा की कमेटी गठित होने से पहले ही बवाल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल निवर्तमान जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू पटेल का कहना है कि वो जब पार्टी कार्यालय पर पहुंचे तो जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर कुलदीप यादव केड़ी बैठे हुए थे। उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि अभी वो खुद ही कार्यवाहक जिलाध्यक्ष हैं, ऐसे में उनका कुर्सी पर बैठना उचित नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों में वाद विवाद हो गया और जमकर गाली गलौज हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुल्तानपुर में जमीनी मामले में महिला को तालिबानी सजा देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला देहात कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र खलीलपुर महमूदपुर गांव में महिला से गांव के ही रामप्रसाद से जमीनी विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते बीते 21 जून को रामप्रसाद समेत कई लोगों ने उसे अपने घर बुलाया और बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, लोगों ने महिला की जमकर पिटाई भी की है। ये घटना करीब 15 दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सहारनपुर में ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए जमियत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और प्रसिद्ध आलिम दीन मौलाना करी इसहाक गोरा ने सभी मुसलमानों को अपील की है कि ईद उल अजहा के मौके पर साफ सफाई का ख्याल रखें, और उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी ना करें। हमारा देश अलग अलग धर्म के मानने वालों का खूबसूरत देश है, ऐसे किसी मवेशी की कुर्बानी ना हो जिससे किसी के धर्म की भावना आहत होती है। ईद उल अजहा की खुशियां मनाने वाले लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके किसी अमल से उनके पड़ोसी या किसी व्यक्तियों को तकलीफ ना पहुंचे। सबके साथ मिलकर और सद्भाव के साथ त्यौहार की खुशियाँ मनाएं। फरुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पेड़ पर लटका मिला, जिससे मोहल्ले वासियों में इस घटना से खलबली मच गई। दरअसल युवक गोविंद तिवारी अपनी मां शशि तिवारी के साथ दूसरे मंजिल पर रहता था। नीचे दुकान किराए पर उठा रखी थी। किराएदार ने जाकर देखा तो युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद किराएदार ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और अब खबर पौड़ी से, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पौड़ी कोटद्वार रोड पर परसुड़ा खाल के समीप दो वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में दोनों वाहनों में सवार 7 लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को 108 की मदद से चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। जिला चिकित्सालय की चिकित्सक डॉक्टर सृष्टि ने बताया कि दुर्घटना में घायल 7 लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। ईद उल अजहा, मुहर्रम, कांवड़ यात्रा जैसे त्योहारों के मद्देनजर एडीजी संभल पहुंचे, जहां उन्होंने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। इस दौरान एडीजी ने कहा कि त्योहारों पर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो वहीं खुले में कुर्बानी करने एवं प्रतिबंधित पशुओं का कटान करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
बिजनौर में एसपी और डीएम ने प्राथमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों को पढ़ाया शिक्षा का पाठ। वहीं डीएम उमेश मिश्रा, एसपी दिनेश सिंह मंडावली थाना क्षेत्र के मोटा महादेव मंदिर प्राथमिक विद्यालय पहुंचे, वहां स्कूली बच्चों से मुलाकात की। स्कूली बच्चों को शिक्षा का ज्ञान देते हुए उनका मनोबल भी बढ़ाया। डीएमएसपी ने स्कूली बच्चों को टॉफी और चॉकलेट भी दिए और उन्हें मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। डीएमएसपी को अपने बीच देखकर छोटे छोटे स्कूली बच्चों के चेहरे खिल उठे। दोनों अधिकारियों ने स्कूली बच्चों को शिक्षा के संबंध में जानकारी दी। डीएम उमेश मिश्रा ने टीचर से स्कूली बच्चों के खाना खाने और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने के संबंध में निर्देश दिए हैं। रायबरेली में पुलिस और ईरानी गैंग बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों को गोली लगी है। वहीं इस दौरान बदमाशों की गोली से कांस्टेबल राजेश शुक्ला भी घायल हो गए। उचार कोतवाली क्षेत्र के मणिरामपुर में यह घटना हुई है। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया है। काफी दिनों से इन बदमाशों की तलाश थी और आखिरकार पुलिस के हाथ ये बदमाश चढ़े हैं। अमेठी में मित्र पुलिस को एक दारोगा बदनाम कर रहा है। अमेठी कोतवाल साहब को कानूनी कार्रवाई से ज्यादा गाली देने में विश्वास है। एक या दो नहीं, पूरे 500 गाली देने का वो दावा कर रहे हैं और इस दौरान वो ये नहीं देख रहे कि वो किस विभाग में है और उनका क्या दायित्व है। महिलाओं के सामने धज्जा उड़ाते हुए पुलिस की नजर आ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो अपनी भाषा से पूरी तरह से इन तमाम चीज़ों पर पलीता लगा देते हैं। पुलिस विभाग के ही बिगड़े बोल नजर आ रहे हैं। महिला अपराध में लगाम कैसे लगेगी, महिलाओं को सम्मान कैसे मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। पीलीभीत के अमरिया तहसील इलाके के जीठनिया गांव में महादेव के मंदिर के ऋषिगिरी उर्फ मदनलाल 52 वर्ष पुत्र दूधराज बीते दो दिनों से लापता थे। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। वहीं मामूली पुलिस ने गांव के ही दो लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। करीब रात 8 बजे गांव रसूला की नहर के पास एक चक्रोड़ पर बाबा का शव पड़ा मिला। रसूला प्रधान पत्री बिल्लू ने पुलिस को शव पड़ा होने की सूचना दी। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमरिया थाना प्रभारी ने बताया कि जीठनिया महादेव मंदिर के साधु का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आखिर ये हत्या है या कोई हादसा है, इसकी जाँच की जा रही है। पीलीभीत में सबका साथ सबका विकास सोचने वाली भाजपा सरकार में जिला पंचायत से बनी सड़क को अधूरा छोड़ दिया गया, जिसके बाद इस सड़क पर लोगों का निकलना दूभर हो गया है। इस सड़क पर जलभराव हो जाने से स्थानीय निवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि ये बची हुई सड़क पीडब्ल्यूडी के अंडर आती है, जिसके कारण पूरी सड़क बनाकर करीब 100 से 200 मीटर का टुकड़ा छोड़ दिया गया है। श्रावस्ती में सरयू नहर में मछली का शिकार करते दो युवक डूब गए। पैर फिसलने से नहर में डूबने से दोनों युवकों की मौत हो गई। नहर किनारे बैठा एक अन्य युवक बेहोश हो गया। दोनों युवकों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। बेहोश हुए युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राप्ती नदी से निकालने सरयू नहर में मछली पकड़ने का वो कार्य करते थे। स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मलहीपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर कोठी की यह घटना। प्रयागराज के हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जतपुरा गांव में सड़क के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप मच गया। उसकी जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। मजदूरों से भरी बस खाई में जाकर पलट गए। जालंधर से धान की रोपाई कर अपने घर नानपारा ये मजदूर लौट रहे थे। बस पलटने से मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 4 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आनंद फानंद में पुलिस और राहगीरों ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। पूर्व में भी पिकअप पलटने से 11 लोगों की मौत हुई थी। थाना गजरौला इलाके की पीलीभीत लखीमपुर नेशनल हाईवे 730 स्थित मुडेला कला गाँव के पास का ये पूरा मामला है।
हरदोई में बिजली के खंभों पर तारों के सहारे लटक रहे दो युवकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो पाली नगर के मोहल्ला विरहारा का है। बता दें कि वीडियो में जो युवक बिजली के तारों पर लटकते दिखाई दे रहे हैं वो शराब के नशे में धुत हैं। इन युवकों की कारस्तानी के चलते दो घंटे तक पाली नगर की बिजली सप्लाई बंद रही। संभल और चंदौसी क्षेत्र में तेज बारिश हो रही है, वहीं बिजली भी कड़क रही है। इधर जिले के गुन्नौर इलाके में आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। अलबत्ता बरसात और बादलों की वजह से जहां धूप की तपिश से राहत मिली है, तो वहीं गुन्नौर में भारी उमस की वजह से लोगों को बारिश का इंतजार है। शनिवार सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में नगर पालिका परिषद चंदौसी की पोल भी खुल गई है। सड़कों पर जल भराव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आम जनमानस को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।